Black, 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 black. दोस्तों, कई लोगों का शौक होता है कि वो जंगली जीवन को करीब से देखें, और यही शौक उन्हें जंगलों में खींच लाता है। लेकिन ये शौक तब डर का रूप ले लेता है जब उनका सामना जंगल के सबसे खतरनाक जानवरों से हो जाता है। एक एनकाउंटर के दौरान क्या क्या होता है, यही सब दिखाने के लिए हम आपके लिए लाए हैं एनिमल एनकाउंटर सीरीज का पार्ट 4। लेकिन ये वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सबसे पहले इसे सब्सक्राइब करके पास लगे बेल आइकन को दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जंगल सफारी पर निकले इन लोगों की तब हवा टाइट हो जाती है जब उनका सामना इस खतरनाक गोरिल्ला से हो जाता है। ये गोरिल्ला इन लोगों के पास आकर बैठ जाता है और उन्हें घूरने लगता है। लेकिन इस डरावनी सिचुएशन में ये सभी लोग डरने की बजाय संयम से काम लेते हैं। वे गर्दन झुकाकर बैठ जाते हैं ताकि गोरिल्ला को लगे कि उन लोगों से कोई खतरा नहीं है, जिसके बाद ये गोरिल्ला बिना किसी को नुकसान पहुंचाए वहां से निकल जाता है। दोस्तों, एनिमल एनकाउंटर पार्ट 1 में आपने देखा था कि ट्रैकर सीट पर बैठे इस आदमी का सामना एक आदमखोर शेर से हो जाता है। ठीक वही सिचुएशन अब इस आदमी के साथ भी है, लेकिन उसके सामने एक शेर नहीं बल्कि शेरों का पूरा झुंड है। इसके चेहरे की उड़ी हुई हवाइयां बता रही है कि वो डर के मारे भीतर तक कांप रहा है। लेकिन इन्हें ट्रेनिंग दी जाती है कि शेर का सामना होने पर ना तो हिलना डुलना है और ना ही डरना और घबराना। चाहे इंसान गाड़ी के बाहर बैठा हो या फिर अंदर, शेर को देखकर डर बराबर ही लगता है। साउथ अफ्रीका के क्रूगर नेशनल पार्क में ब्रॉनविन नाम की ये महिला अपने पति के साथ घूमने आई थी। इस दौरान इस कपल का सामना एक शेर से हो जाता है। ये शेर पहले तो उनकी कार की खिड़की झांकता है, फिर कार का पिछला गेट खोलने की कोशिश करने लगता है, लेकिन कार का गेट लॉक होने के चलते वो कामयाब नहीं हो पाता, जिसके बाद ब्रॉनविन धीरे धीरे कार को आगे बढ़ा लेती है। यहाँ इस गाड़ी को इन बब्बर शेरों ने तीनों तरफ से घेर रखा है। इसमें से एक शेर तो कार की बोनट पर ही चढ़ा हुआ है। अब जरा सोचिए, 3 हट्टे कट्टे आदमखोर शेर जो कार में बैठे लोगों को देखकर पूरी कार को ही गिरफ्त में ले लें, तो क्या ही हालत हो रही होगी। इस सवाल का जवाब तो इसमें बैठे लोग ही बेहतर दे सकते हैं, जिन्होंने जैसे तैसे गाड़ी को बैक करके इन शेरों से अपना पीछा छुड़ा लिया। ये डरावना वीडियो चीन के बीजिंग वन्यजीव पार्क का है, जहां कार चला रही है लड़की इस प्रोहिबिटेड एरिया में गाड़ी से इसलिए उतरती है ताकि दूसरी तरफ जाके बैठ सके। वो दूसरी तरफ का दरवाजा खोलकर बैठने ही वाली होती है कि पीछे से एक साइबेरियन उसे दबोच कर ले जाता है। वहीं लड़की का साथी उसे बचाने की कोशिश भी करता है, लेकिन नाकामयाब रहता है। CBS न्यूज के रिपोर्ट के अनुसार वो बाघ महिला को अपना शिकार बना लेता है। इस वीडियो में तूफान रफ्तार से दौड़ता ये चीता टूरिस्ट जीप के नजदीक पहुंचकर इतनी जोर से दहाड़ता है कि जीप में बैठे लोगों की चीखें ही निकल गई। वहीं ये चीता तो इस टूरिस्ट जीप पर ही चढ़ गया, जिसे देख उसमें बैठी इस लड़की की हार्ट बीट ही बढ़ गई। वो नहीं समझ पा रही थी कि डरे या एडवेंचर को एंजॉय करे। वैसे इस दौरान उसका कैमरा ऑन था और चीते के साथ इस एनकाउंटर का ये दिलचस्प वीडियो द वायरल नामा के जरिए आप लोगों तक पहुंच गया। दुर्घटना से देर भली, अगर ये लड़के आज इस बात को फॉलो नहीं करते तो शायद वो इस टाइगर का मील्स ऑन व्हील्स बन जाते। लेकिन उन्होंने सावधानी बरती और टाइगर को देखते ही बाइक को पीछे कर लिया। वहीं ये टाइगर भी पहले तो रुककर उन्हें देखता रहा, लेकिन बाद में उसका भी मूड चेंज हो गया और वो जंगल की तरफ बढ़ गया। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर हमारा टारगेट है कि इसे कम से कम 5000 लाइक्स तो जरूर मिलें। अगर हम लोग मिलकर इस टारगेट को अचीव करते हैं तो हम आपके लिए लाएंगे इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियोस। तो अभी इस बात पर ठोक दीजिए अपना लाइक। ये वीडियो तमिलनाडु के धर्मपुरी के होगेनक्कल जंगल का है, जहाँ ये हाथी सड़क पार करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इस हाथी को देखकर ये सिरफिरा हीरोपंती के चक्कर में उसके नजदीक चला जाता है। वो कभी उसे हाथ जोड़ता दिख रहा है तो कभी दंडवत प्रणाम करता हुआ। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि उसकी इन हरकतों से हाथी को परेशानी हो रही है और वो गुस्सा हो रहा है। लेकिन ये भाई है कि जान जाए पर तमाशा नहीं रुकना चाहिए। द वायरल नामा एनिमल एनकाउंटर सीरीज के हर पार्ट में ये कहता आया है कि अपने मनोरंजन के लिए बेजुबान जानवरों को कभी परेशान न करें, लेकिन कुछ लोग हैं कि मानते ही नहीं। इसी का नतीजा है ये वीडियो, जिसमें ये नाराज हाथी गुस्से से पागल होकर सैलानियों के पीछे ही दौड़ने लगता है। हाथी का ये विकराल रूप देखकर सैलानियों की तो चीखें ही निकल जाती है।
मामले की नजाकत को देखते हुए ड्राइवर गाड़ी दौड़ा लेता है और एक बड़ा हादसा होने से टल जाता है। यहाँ तो सैलानियों से चिढ़ा हुआ हाथी इस टूरिस्ट जीप के पीछे पड़ जाता है। आप विजुअल देख सकते हैं कि ट्रैकर सीट पर बैठे इस आदमी की क्या हालत हो रही है। वहीं गाड़ी का ड्राइवर जितनी तेजी से गाड़ी को बैक कर सकता है वो करता जा रहा है, बावजूद इसके हाथी है कि पीछा छोड़ने को तैयार नहीं। इस एक मिनट के वीडियो के दौरान ही ऐसे कई मौके आए जिसमें ये हाथी ट्रैकर सीट पर बैठे आदमी पर अटैक करने ही वाला था, लेकिन गनीमत रही कि इस वाकये में कोई हादसा नहीं हुआ। आखिर में हाथी इस गाड़ी का पीछा करते करते उन्हें अपने इलाके से खदेड़ कर ही दम लेता है। कुछ ऐसा ही असम में मानस नेशनल पार्क में सफारी का आनंद लेने गए इन पर्यटकों के साथ भी हुआ। ये हिप्पो अपने इलाके में इंसानों को देखकर इतना गुस्सा हो गया कि उनकी गाड़ी के पीछे ही पड़ गया। ये देखकर इन सैलानियों की हालत ही पतली हो गई। सैलानी ड्राइवर को दबा दबा भाग भाग कहते रहे और ये हिप्पो तब तक गाड़ी के पीछे भागता रहा जब तक कि उन्हें जंगल से बाहर ना खदेड़ दिया। वाइल्ड लाइफ पार्क में कार की खिड़की खोलने और जानवरों को कुछ खिलाने की सख्त मनाही होती है, लेकिन कुछ लापरवाह लोग इन रूल्स को फॉलो नहीं करते, जिनका खामियाजा इन बेजुबानों को भुगतना पड़ता है। वेस्टर्न क्यूबेक के पार्क ओमेगा में ऐसा ही हैरान कर देने वाला वाकया घटित हुआ। वीडियो में देख सकते हैं कि इस जंगली भैंसे का मुंह कार की खिड़की में ही फंसा हुआ है। ये बाइसन खुद को निकालने की जितनी कोशिश करता है उतना ही फंसता जाता है। भारी भरकम इस भैंसे को यूं फंसा देख कार में बैठे लोगों की तो जान ही अलग में अटक गई। आखिरकार 10 मिनट के स्ट्रगल के बाद यह भैंसा खुद को निकालने में कामयाब हो गया। वहीं उससे उलट अगर जानवरों के साथ अच्छे से पेश आए तो वो प्रेम की भाषा भी बखूबी समझते हैं। वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर गर्थ डी ब्रूनो ऑस्टिन का ये वीडियो इसी बात को साबित करता है। साल 2016, जगह दक्षिण अफ्रीका। तब गर्थ डी ब्रूनो गैंडों के अवैध शिकार पर बेस्ड एक फिल्म की शूटिंग कर रहे थे। तभी एक रेनो उसके पास आकर खड़ा हो जाता है, जिसे ब्रूनो सहलाने लगते हैं। इंसान और जंगली जानवर के इस वीडियो ने खूब सुर्खियां बटोरी। कई बार कुछ जंगली जानवर खाने की तलाश में जंगल से निकलकर इंसानी इलाकों में आ जाते हैं। यहाँ भी कुछ ऐसा ही माजरा हुआ है। यहाँ ये भालू इस गाड़ी में घुसकर उनमें से खाने का सामान लेकर वहाँ से चलता बना। भालू द्वारा ऐसा करते समय वहाँ मौजूद लोगों ने उसे भगाने की कोशिशें की। वो तो गनीमत रही कि इस गाड़ी में कोई इंसान नहीं था, वरना कुछ भी हो सकता था। इसी तरह इस जंगल के पास एक गांव में एक खूंखार भालू घुसाया। उधर भालू भी घबराकर लोगों पर हमला करने लगा। हालांकि इस दिल दहला देने वाले हादसे में वो भालू के अटैक से बाल बाल बच गया। अब हम आपको जो दिखाने जा रहे हैं वो दिल थाम कर देखिएगा, क्योंकि ऐसा आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। डेविन ब्रूनो पेड़ पर लगे स्टैंड पर बैठा शिकार का इंतजार कर रहा था। तभी एक ग्रिजली भालू उसी पेड़ पर चढ़ने लगा जिस पर वह बैठा था। भालू उसके बिल्कुल करीब जाकर रुक गया। डेविड बिना हिले डुले चुपचाप तब तक बैठा रहा जब तक कि यह खतरनाक जानवर वापस नीचे नहीं उतर गया। कर्नाटक के डंडेली शहर के कोगिलबन गांव में लोगों ने एक विशाल काय मगरमच्छ को घरों के आसपास घूमते हुए देखा। ग्रामीणों ने इस खतरनाक मगरमच्छ की जानकारी वन विभाग को दी तो इसका रेस्क्यू करके पास की नदी में छोड़ा गया। दरअसल ये गांव डंडेली वन्य जीव अभयारण्य के पास होने के कारण जंगली जानवरों के आने जाने से यहाँ खतरा अक्सर बना रहता है। यहाँ नजारा जरा हटके है। हाईवे पर जंगल से निकलकर एक क्रोकोडाइल एनकाउंटर आ जाता है, जिसे देख एक लड़का इस मगरमच्छ से दूरी बनाने के बजाय वीडियो शूट करने लगता है। हालांकि इसने मगरमच्छ को परेशान तो नहीं किया, लेकिन इस तरह इनको हल्के में लेना कहां तक सही है। झील में बोटिंग का मजा ले रहे लोगों की हालत उस वक्त खराब हो जाती है जब उनका एक खतरनाक शार्क से अचानक सामना हो जाता है। शार्क तेज रफ्तार के साथ उनके सामने बढ़ती चली आ रही थी। एकदम नजदीक आने के बाद शार्क ने अचानक अपना रास्ता बदल लिया। तब कहीं बोट में बैठे लोगों की जान में जान आई। ये सैलानी नाव में सैर करने निकले थे, लेकिन अचानक उनका एनकाउंटर एक जहरीले सांप से हो जाता है, जो जंगल के रास्ते से होता हुआ नाव के एकदम करीब आ जाता है, फिर नाव के नीचे से होता हुआ निकल जाता है। नाव में सवार लोगों को एक बार तो लगा कि सांप नाव में ही घुस जाएगा,
लेकिन जब दूसरी तरफ से निकल गया तब जाकर सांस में सांस आई। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा, अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।